Hey guys, welcome back to another vlog. कैसे हो आप लोग? I hope कि आप लोग और अच्छे हो गए. सो देखो थॉर भाई सुबह रेडी हो गए गाइस. अभी हम लोग जा रहे हैं. सो हम लोग जा रहे हैं जाबू रोड, थोड़ा काम था. और ये देखो थॉर भाई मेरा रेडी हो चुका है. सो तो हम लोग गाइस जाबू रोड जा रहे हैं. कैसे ही किसी को मिलना था, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको, तो उनको मिलने के लिए जा रहे थे. तो क्या थॉर को अभी पहले फ्रेश करवा जाते हैं ताकि मम्मी अकेली हैं, ये सब लोग रेडी हो चुके हैं. सो तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं. डस्टर ले जाएंगे या थार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि थार लॉन्ग ड्राइव के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है. सो अपने डस्टर लेके चलते हैं. गाइस देखो मम्मी भी उठ गई है सुबह. और ये देखो हमारा डॉन. सो तो चलो चलते हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं. निशु अभी 10th में, इसलिए निशु नहीं आ रही है. और ये देखो उसने अभी से पूरा सिस्टम सेट कर रखा है. और ये भाई का सिस्टम भी खतरनाक है. इसको ये है कि मुझे भी ले जाओ. और वो देखो बिल्ले हमारे. चलो मम्मी है ना, चलो आ रहे हैं मम्मी लेके. सो तो गाइस चलो निकलते हैं फटाफट से, काफी लंबा जाना है. तो गाइस फाइनली बैठ चुके हैं अभी हम लोग डस्टर में. और देखो प्रियांशी कर रही है सोने की तैयारी फुल. और जानकी यहाँ बैठी है. 6 बज रहे सुबह के, उसको जल्दी उठा लिया. और बाहर देखो गाइस कितना अंधेरा है, जबरदस्त अंधेरा है. अभी तो 6 बजे की फुल अंधेरा है. सो तो चलो फटाफट से सफर को जारी करते हैं और निकलते हैं. सुबह में जल्दी निकलते हैं तो टाइम से भी पहुंच जाते हैं. सो तो चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग आबू रोड. मिलते हैं आपको रास्ते में. गाइस बहुत जोर से भूख लगी थी, अभी हम लोगों ने ले लिए हैं समोसे, देख सकते हो. सो गाइस देख सकते हो इसमें पाव है और पुलाव भी है नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी 7:30 ही बज रहे हैं. 7:30 बजे गए और हमने अभी ले चुके हैं पौवे और समोसे और क्या है पुलाव है. तो अभी बाद में 1:30 से रुकेंगे, जब होटल वगैरह खुल जाएंगे तो खाना वाना खाने के लिए. वो पार्टी चल रही है, अब प्रियांशी खाने लगी हुई है पौवे. कैसे लगे? राइस मैंने खा ली है. और देखो इसने राइस खा चुके हैं, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही ना. तो मेरी तो डिस्को. सो तो गाइस चलो हम लोग भी खा लेते हैं पौवे मस्त. गाड़ी में ही खाते हैं, अब गाड़ी से उतर के क्या करेंगे. गाड़ी रोक दी है तो अच्छे से खा पाए फिर. चलो तो पहले पौवे वगैरह खा के फिर आगे के लिए निकलते हैं. तो गाइस अभी रास्ते में प्लान चेंज हो गया. हम लोग जा रहे थे आबू रोड, तो अभी हो गया प्लान चेंज, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं अभी उदयपुर जा रहे हैं, क्योंकि आबू रोड हम लोग अभी 1.5 महीने पहले ही गए थे, तो अभी मन नहीं कर रहा है वहाँ जाने. सो तो अभी हमने हमारा रास्ता बदल दिया है यहाँ से. अभी हम लोग हम लोग जो एक रेस्टोरेंट जहाँ जो होटल में जाते थे रिसोर्ट में, वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है. तो फिर हमें उसके अलावा कहीं और पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग उदयपुर ही जाके आते. सो तो अभी हम लोग आए किंग फिशर रेस्टोरेंट में. चलो यहाँ कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे. तो गाइस देखो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रतनपुर और किंग फिशर रेस्टोरेंट में. अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको. आ चुके हैं किंग फिशर रेस्टोरेंट में. और देखो प्रियांशी का आ चुका है ये मिक्स फ्रूट जूस मंगाया है प्रियांशी ने. तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये होटल का भी टूर देता हूँ. इस रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये रेस्टोरेंट. अभी यहाँ खाने के बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे. और क्या मंगाया है? बस एक तो पनीर टिक्का ना, और मैंने सूप मंगाया है वेज. सो तो हमारा ऑर्डर कर दिया गया है. अब देखो प्रियांशी बोल रही है फिश टिक्का, पर फिश टिक्का नहीं मंगाया है, ओनली फॉर पनीर टिक्का मंगाया है. मस्त पनीर टिक्का भी आ चुका है अभी हमारा. सो तो चलो फटाफट से इसको खा लेते हैं फिर निकलेंगे उदयपुर जाने के लिए. मस्त कूलर चालू कर दिया है भाई रेस्टोरेंट वालों ने. सो गाइस देख लो यहाँ भी आ चुकी है हमारी कैट, एक अलग ही रूप में आई हुई है. देखो ये रही छोटी वाली, ये किकी देखो गाइस मस्त लग रही है. ये सेम हमारा टाइगर लग रही है गाइस, टाइगर. फाइनली गाइस हमने इसको दिया है पनीर और देखो कितना मस्त खा रही है पनीर. एक टाइगर टाइगो गाइस, सेम मेरी टाइगर लग रही है, देखो टाइगर. तो गाइस देख लो ये लोग देखो मस्ती में लग चुके हैं, धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है फिर भी ये लोग झूले पे बैठ चुके हैं. सो तो गाइज अभी हम लोग चलते हैं, अभी हमको उदयपुर पहुंचना है राजस्थान. तो अभी तो हम लोग ना गुजरात के बॉर्डर पर हैं, पर गाइज देख सकते हो यहाँ का व्यू नज़ारा देखो आप खाली. सो गाइज एक नंबर है, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट बना हुआ है ये.
और ये उदयपुर गुजरात हाईवे पर है। उदयपुर से अगर आप गुजरात अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे आओगे, सो गाइज ये उसी जगह है ये पूरा। सो गाइज ये रेस्टोरेंट का एरिया यहाँ है, ये है स्विमिंग पूल वाला एरिया। सो आप देख सकते हो इसका पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ इन लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखा है। पर अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, और इन लोगों को देखो इनका ब्लॉग अलग ही चल रहा है। तो और ये देखो मैडम को देखो, मैडम का मन भी ऐसा कर रहा है कि अभी पहुंच जाऊं। पर गाइस काफ़ी अच्छा है ये, इसका नाम है किंग फिशर रेस्टोरेंट एंड होटल, और ये आता है। सो तो अभी हम लोग जाएंगे उदयपुर, और उदयपुर राजस्थान में आप कौन सा होटल लेते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सो देखो ये मैडम का पूरा ही नहीं होगा हमेशा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी डस्टर के पास, और प्रियांशी पहुंच चुकी है, और बहुत ज़्यादा धूप है। सो गाइस हम देखो कैसे लाल लाल हो गए। और ये रहा अपना रतनपुर किंग फिशर। सो इसको बोलते हैं अभी बाय बाय, अभी हम लोग निकलते हैं उदयपुर। गाइस बैठ चुके हैं हमारी, देखो यार आदत डस्टर में, और आदत हो चुकी है थार बोलने की। अगर कभी मैं थार बोल जाऊँ तो प्लीज़ गाइस माइंड में मत लेना यार, थार डस्टर कुछ नहीं होता, गाड़ी गाड़ी होती है, ये गाड़ी थार से बेटर है। अभी काफी गर्मी है और एक डेढ़ घंटे का रास्ता, चलो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से, अब मिलते हैं आपको सीधे हम उदयपुर। गाइस देखो किंग फिशर से निकलते ही ये देखो रास्ता देखो यहाँ का, अरे माइंड ग्लोइंग। सो गाइस इसकी कॉपी मार रहे हैं हम लोग, देखो कॉपी मारते हैं बोल रही थी ब्लॉग में। सो गाइस सही में रास्ता देख सकते हो आप, माइंड ग्लोइंग। राम दुलारी बस जा रही है गाइज, आगे राम दुलारी, और हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं दुलार में। सो तो गाइज फटाफट से पहुंचते हैं उदयपुर और मिलते हैं आपको। और अभी 12:15 तो यहाँ पे ही बज गए हैं, अभी पता नहीं, अभी 113 किलोमीटर बाकी। सो गाइज जब तक आप देखो राम दुलारी, सबसे प्यारी हमारी राम दुलारी बस में। गाइज इस बस में सफर करो कसम से, बहुत सारी फैसिलिटीज है। बोलने का नहीं, जय श्री राम। सो गाइज जय श्री राम, और देखो आप राम दुलारी। सो गाइज देख सकते हो आप, ये BMW और आगे फॉर्चुनर एक गई है, उसकी रेस चल रही है। सो हम हमारी थकेली डस्टर को लेकर इनका देख रहे हैं। गाइज देखो अभी हम लोग BMW को हराने वाले हैं, गाइज देख सकते हो आप, और ये BMW हार गई। सो गाइज हम लोग जीत चुके हैं और BMW हार चुकी है, अब पता नहीं किसकी थी, क्या चलाए हम धीरे से चलाओ। सो गाइज अब तो जीत गए, जीत गए तो अब धीरे से चलाओ। तो देखो गाइस एक फॉर्चुनर और बची है, उसको भी हरा दें, वो तो गई आगे, अब देखते हैं मिलेगी कहीं तो बताएंगे आपको। फाइनली आ चुका है उदयपुर का पहला टोल टैक्स। सो देख सकते हो गाइस पहला टोल टैक्स आ चुका है, और इसमें लिखा भी है देख लो आप, खेरवाड़ा पहुंच चुके हैं गाइस हम लोग। खेरवाड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, खेरवाड़ा। फाइनली आ चुके हैं हम लोग हिल टॉप में, और हिल टॉप का बाहर का नज़ारा आप देख लो। भैया हमारा सामान लेके जा रहे हैं, प्रियांशी ये रही, और देखो जानकी वहाँ है। गाइज एक नंबर रिसॉर्ट है हिल टॉप उदयपुर राजस्थान, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको अंदर का रूम टूम करवाता हूँ थोड़ी देर में, बस पहले हम लोग फटाफट से चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका अंदर के रूम्स का ब्लॉग देता हूँ। सो देखो जा रहे हैं सब, ठीक है अभी हम लोग, और देखो ये यहाँ का इस तरीके का कुछ नज़ारा है। ये रिसेप्शन है कुछ यहाँ पर ऐसा है, ये हॉल, ये लॉबी है, फिर यहाँ से ये स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए। और गाइस अभी थोड़ी देर के बाद मैं हो जाता हूँ फ्रेश, फिर आपको मैं पूरा होटल का टूर भी दूंगा और मेरा रूम टूर भी देता हूँ। सो देखो इस तरीके का कुछ एग्जीबिशन भी है यहाँ होटल वालों का, सो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है गाइस, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ से स्टेप टू स्टेप नीचे जाना है, टू फ्लोर हमको एकदम नीचे जाना है भाई, बेसमेंट में बनाया हुआ है ये पूरा, पर काफ़ी अच्छा है। सो तो चलो चलते हैं, आ चुकी है हमारी लिफ्ट। गाइस देखो ये देखो लिफ्ट से नज़ारा देखो, मस्त नज़ारा है।
सो अभी देखो हम लोग लिफ्ट से नीचे जाएंगे और देखो गाइस कैसा लग रहा है, काफी अच्छा बना रखा है, ज्यादा जोरदार है। और हमें यहाँ नीचे जाना है हमारे रूम के, अभी हम लोग 2 फ्लोर नीचे जाएंगे। तो गाइस ये मिला है हमको 101 गाइस, पोपट हो गया रूम, अंदर से लॉक है। मैं इसको खोलने जा रहा था पर अंदर से लॉक है, अभी ये लोग खोलेंगे जब ही खुल सकता है। सो पोपट ही हो गया था आज। सो गाइस देख सकते हो ये हमारा रूम है, ये कुछ इस तरीके से है। बाकी ये तो होता ही है आम, यहाँ एक मिरर जैसा लगा रखा है, बाकी ये तो होता ही है। ये भी सब 5 स्टार में रहते ही हैं। पर गाइस ये देखो, ये देखो, ये प्रियांशी हमारी झूले पे है भाई, प्रियांशी हमारी देखो मस्त झूला। यहाँ कुछ इस तरीके का टेबल है, इस तरीके का कुछ ये फिर बेड है। सो गाइस देखो प्रियांशी खोल रही है, यहाँ पर है ये, यह यहाँ का वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाकी यहाँ पर एक ये हेयर ड्रायर भी दे रखा है, ये तो है ही, ये टॉवल्स हैं, ये सारे शैम्पू वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, टॉवल्स वगैरह हैं। बस स्मेल इसकी बहुत जोरदार है, चलो आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस देखो ये है यहाँ पर ऐसा कुछ, मतलब ये फिर कवाड वगैरह बना रखे हैं सामान रखने के लिए। और ये नीचे दिखाते हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, ये अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। सो हाँ ये अंदर का है। सो लॉकर तो है, लॉकर वैसे भी हर जगह मिलता ही है अभी तो फाइनली। बाकी तो कुछ इतना कुछ खास नहीं है पर अच्छा है। फिर ये कुछ पानी की बोतलें हैं। और ये गाइस देखो ये यहाँ पर टीवी दे रखा है, नीचे फ्रीज, और इसको खोलोगे तो यहाँ नीचे है फ्रीज। और देखो गाइस इस रूम की सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ मैं आपको क्या है। सो देखो सो गाइस यहाँ एक छोटी सी बालकोनी है जहाँ 2 लोग बैठ सकते हैं, इसका सिटिंग अरेंज है। और गाइस ये देखो ये बेस्ट है। सो गाइस ये है यहाँ का, ये पूरा पूल एरिया है। सो काफ़ी बेस्ट है देखा जाए तो, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है गाइस ये रूम, और काफ़ी अच्छा है। सो भाई कैसा लगा रूम? बहुत ही, मैंने तो पहले ही बोला। अरे झूला है गाइस, थक जाओ तो यहाँ झूले खा लो, एसी लगा हुआ है। सो तो गाइस चलो इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, कभी काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी इसके आगे के ब्लॉग नेक्स्ट एपिसोड में देखो आप, क्योंकि हम लोगों को अभी आपको पूरा रिसोर्ट का टूर करवाना है और हमको खुद को भी करना है। सो तो गाइस इस पूरे हिल, क्या नाम है इसका रिसोर्ट का? हिल टॉप रिसोर्ट। सो गाइस जो हिल टॉप रिसोर्ट है इसका पूरा एक ब्लॉग में डाल दूंगा पूरे रिसोर्ट का, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सो तो चलो एंड करते हैं गाइस, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।